हानि तो कुछ नहीं होगा इससे। देखिए मेयर का, मेयर दबाव में रहता था, कुछ दबाव में रहता था ही कि 2 साल पूरेगा तो हम आपको बक्सेंगे, नहीं गिरा देंगे। इसी के चलते बहुत सा काम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि सड़क तो हमारा नल जल वाला बर्बाद कर दिया, नल जल। हाँ, नल जल योजना वाले हमारे सड़क माने पूरे नगर निगम को नरक बना के छोड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार शरीफ में, जो लगभग नगर निगम चुनाव की कम ही समय बचा हुआ है। मैं पहुंचे हुए हैं अभी वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 से है वार्ड पार्षद, मेरे साथ मौजूद है प्रमोद कुमार जी। उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक वो अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किए हैं और क्या अधूरा रह गया है, जो अगर इस बार उनको जनता जनार्दन जिता देती है तो क्या करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत पहले स्वागत है सर। महाशिवरात्रि के अवसर पर, कल महाशिवरात्रि था, इसके अवसर पर मैं सब नगरवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अभी तक ये 5 साल कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास के काम किए? अभी बहुत सा ऐसा सड़क है, पानी है, ये है, उन सबकी दिक्कतें अभी तक नजर आ रही है हम। देखिए अपने हिसाब से तो हम बहुत किए, जैसे सलेमपुर में पुल का निर्माण, सलेमपुर में एक छोटा पुलिया का निर्माण किया मस्जिद के सामने, मस्जिद के सामने वाला, और गली मोहल्ला जितना है करीब करीब हमने काम किया। बहुत सा कोरोना काल के चलते बहुत पैसा नहीं आ पाया, इसके चलते बहुत सा काम अभी अधूरा रह गया। तो जो अधूरा रह गया, अगर इस पर जनता जनार्दन आपको जिता देती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जो अधूरा रह गया? अधूरा रह गया गली मोहल्ला जो अधूरा रह गया उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी तक देखने सड़क भी अधूरा है, पानी है, सड़क तो हमारा नल जल वाला बर्बाद कर दिया, नल जल योजना। हाँ, नल जल योजना वाले हमारे सड़क माने पूरे नगर निगम को नरक बना के छोड़ दिया है। इस बार एक नोटिफिकेशन सरकार का लगभग आ चुका है, फाइनली है, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, अब लोग उसको सिलेक्शन करेंगे, आम पब्लिक, आम लोग वोटिंग के जरिए वो मेयर चुन के आएंगे। पहले वार्ड पार्षद के द्वारा चुन के आते थे, तो इस बार जो इस तरह का यह आया है नियम, तो क्या वार्ड पार्षद को इससे हानि हो? हानि तो कुछ नहीं होगा इससे। देखिए मेयर का, मेयर दबाव में रहता था, कुछ दबाव में रहता था ही कि 2 साल पूरेगा तो हम आपको बक्सेंगे, नहीं गिरा देंगे। इसी के चलते बहुत सा काम पूरा नहीं हो पाता था। अविश्वास प्रस्ताव भी आते रहते हैं। ये जो आया है नियम, ये सही है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छा नियम। इससे क्या होगा, विकास की पटरी आगे बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, इसमें दखल अंदाजी नहीं रहेगा। जिसे दबाव के राजनीतिक रहता था उसमें दबाव के राजनीतिक नहीं। बिहार में जो स्मार्ट सिटी है कहाँ कमी लगता है, इसलिए कि आपके पास मेयर भी हैं, स्मार्ट सिटीज को बनाने के जो है बहुत दिन से चला रहा, कहाँ पे यहाँ पे फंस रहा मामला? फंस रहा स्मार्ट सिटी लूट खसोट का मामला, ना नगर विधायक को सुनता है ना एमपी को सुनता है, अपने मनमर्जी से काम करता है। उसको कहना है कि हमारा जनप्रतिनिधि से कुछ लेना देना नहीं, उनका अपना प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट। तो अभी तक आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किए? हम तो गली नली जितना हुआ हम कहीं कहीं किए हैं, राशन है, इंदिरा आवास है। हाँ, राशन है, इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास है, हम सलेमपुर में कम से कम 100 वो इंदिरा आवास मिला है, वो चमटटोली, चमटटोली अभी जहाँ भी रहे, लेकिन कोई भी कह दे कि एक का ठंडी भी चाय पीने के लिए भी पैसा लिया है तो हम जो करना होगा करेंगे। हाँ, लोगों इस तरह का बहुत सा हर जगह कुछ सुनने पाता है। हाँ, आया बहुत जगह आया है कि पैसा नहीं लेके काम किया, लेकिन मैंने ये पैसा किसी से नहीं लिया। तो आपको अपना जन समर्थन कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है, पूछ रहा है कुल की क्या खड़ा होइएगा कि नहीं होइएगा, आपके जन्म कर आप लोग कहिएगा खड़ा होंगे, नहीं कहिएगा नहीं खड़ा होंगे। लोगों का प्यार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। क्या लगता है इस बार अगर जीत के आइएगा सबसे पहले अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, जो लगे नंबर 1 बने, बिहार का स्मार्ट सिटी के नंबर 1, आपका क्षेत्र नंबर वार्ड 5 आ जाए? वही करेंगे, जो नल जल वाला बर्बाद किया है गली नली, उसको हम सबसे पहले तो उसको हम बनाएंगे, बना नहीं रहा है नल जल। आपके क्षेत्र में पार्क वगैरह का कोई सावधान जगह नहीं है जो यहाँ पे लोग टहल सके, बूढ़े बुजुर्ग हो सके सुबह में? वैसा जगह तो 5 नंबर में नहीं है, 1 नंबर में था जगह जो हमने सम्राट अशोक भवन बनाया,